दोस्तों तुहाडा स्वागत है साढ़े यूट्यूब चैनल शब्दों की दुनिया से। दोस्तों सिक्ख्या विभाग अधीन जेकर तुहाडी नियुक्ति किसी भी पोस्ट पर हुंदी है तां तुहाडा डाटा ई पंजाब वैब पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। सो जेकर तुहाडी नियुक्ति सिक्ख्या विभाग अधीन किसी भी पोस्ट टीचिंग या नॉन टीचिंग विच हुई है तां तुहाडा डाटा ई पंजाब वैब पोर्टल पर रजिस्टर्ड होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने लई तुहानू एक फॉर्म फिल करना पैंदा है। तो अज की वीडियो विच मैं तुहानू जानकारी देवांगा कि ई पंजाब वैब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने लई तुसीं किहड़ा फॉर्म फिल करना है तो इस फॉर्म नू असीं किवें फिल करांगे। सो सब तो पहला असीं इस परफॉर्मे नू देखदे हाँ। यह परफॉर्मा स्कूल सिक्ख्या विभाग के दफ्तर अधीन काम करदे हरेक अध्यापक अधिकारी वालों भरिया जाएगा। सो सब तो पहला अपने जिले का नाम लिखो जिस भी जिले में तुहाडी अपॉइंटमेंट हुई है। उस तो बाद प्रायमरी सिक्ख्या ब्लाक का नाम जिस तरह असीं कपूरथला 3 लिख रहे हाँ। इस तो नैक्सट स्कूल या दफ्तर का नाँ अते पता, जेकर तुहाडी अपॉइंटमेंट स्कूल विच हुई है तो उसका नाम लिखो, तो जेकर तुहाडी नियुक्ति किसी दफ्तर विच हुई है तो उसका एड्रैस लिखो। मैनेजमेंट सिक्ख्या विभाग पंचायती राज लोकल बॉडी जिस भी अधीन तुहाडी अपॉइंटमेंट हुई है असीं सिक्ख्या विभाग लिख रहे हाँ। नेम ऑफ स्टाफ, सब तो पहला अपना नाम लिखो। ये सारे परफॉर्मे नू कैपिटल लैटर विच भरिया जाए ता कि पढ़ने विच आसानी रहे। उस तो बाद विच फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल या फीमेल, कैटेगरी जनरल SC RO SC MNB ST BC जो भी तुहाडे नाल संबंधित है उसनों मैनशन करो। रिलीजन सिख हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन बुद्धिस्ट जैन पारसी अदर, मैरिटल स्टेटस मैरिड इसनों मैनशन करो। डिसेबिलिटी जेकर कोई भी डिसेबिलिटी है तो हेठा दिते हैश चिन्ह अधीन दिती जानकारी विचों चुनो। परफॉर्मे के थले कोड दिए गए हैं जो भी तुहाडे नाल संबंधित है उसनों मैनशन करो। अदरवाइज नंबर 1 ते नो डिसेबिलिटी इसनों मैनशन करो। अकैडमिक क्वालिफिकेशन हेठा दिते स्टार चिन्ह अधीन दिती जानकारी विचों चुनो। बिलो सेकेंडरी 10th 12th BA BSc BBA BCOM सो जो भी तुहाडी अकैडमिक क्वालिफिकेशन है उसनों मैनशन करो। उस तो नैक्सट प्रोफेसनल क्वालिफिकेशन हेठा दिते स्टार चिन्ह अधीन दिती जानकारी विचों चुनो। सो 1 ईयर डिप्लोमा 2 ईयर डिप्लोमा 3 ईयर डिप्लोमा BCA BSc BEd BPed इन्हां विचों जिहड़ी भी तुहाडी प्रोफेसनल क्वालिफिकेशन है उसनों मैनशन करो। कंप्यूटर टाइपिंग नॉलेज पंजाबी इंग्लिश बोथ नील। UID आधार अपने आधार कार्ड का नंबर लिखो। करंट एड्रैस कंप्लीट एड्रैस इस विच अपना विलेज पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट परमानेंट एड्रैस ते परमानेंट एड्रैस मैनशन। डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल इसनों किलोमीटर विच लिखो। अपना मोबाइल नंबर लिखो। ईमेल ID लिखो। सो नैक्सट पेज देखते हाँ। नैक्सट है जॉब प्रोफाइल डिटेल ऑफ फस्ट ज्वाइनिंग, सर्विस टाइप रेगुलर है या कंट्रैक्ट उसते टिक करो। अपॉइंटमेंट अंडर डिपार्टमेंट सिलेक्शन SSA RMSA PICTUS MDM EDUSET अदर। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर, अपॉइंटमेंट ऑर्डर की डेट की है उसनों मैनशन करो। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट प्रियोरिटी या बाय सिलेक्शन, जेकर तुहानू नौकरी डैथ केस विच मिली है तो प्रायोरिटी ऑप्शन नू सिलेक्ट करो, तो जेकर तुहाडी सिलेक्शन हुई है तो सैकेंड ऑप्शन ते टिक करो। जेकर तुहाडी भर्ती सिलेक्शन नाल हुई है तो मैरिट परसेंटेज रैंकिंग ते रिजल्ट डिकलेयर कदों होया सी उसकी डेट नू मैनशन करो। तुहाडी अपॉइंटमेंट किस कैटेगरी अधीन हुई है हैश देखो। सो इस विच जनरल SC RO SC MNB अलग अलग कैटेगरीज हैं, इन्हां विचों जिहड़ी भी कैटेगरी अधीन तुहाडी अपॉइंटमेंट हुई है उसनों मैनशन करो। स्टार टाइप टीचिंग या नॉन टीचिंग इस ते टिक करो। डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसनों मैनशन करो। यूआर डेजिग्नेशन, तुहाडी डेजिग्नेशन की है उसनों मैनशन करो। तुहाडी अपॉइंटमेंट किस विषय में हुई है उसनों मैनशन करो। जेकर कर्मचारी वालों उक्त लड़ी नंबर 1 विच कंट्रैक्ट दर्शाया गया है तो हेठां दी सूचना भरी जाए, अदरवाइज इस विच हाइफन लगा दवो। जेकर कर्मचारी वालों उक्त लड़ी नंबर 1 विच रैगूलर या लड़ी नंबर 7 विच यस दर्शाया है तो सीनियोरिटी नंबर भरिया जाए। इज इट यूअर प्रेजेंट डेजिग्नेशन डिटेल यस या नो, जेकर तुहाडी प्रमोशन हुई है
ਤਾਂ ਨੋ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੈਸ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ, ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ, ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਡੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਡੇਟ ਆਫ ਜੁਆਇਨਿੰਗ, ਸਟਾਫ ਟਾਈਪ, ਟੀਚਿੰਗ, ਨੋਨ ਟੀਚਿੰਗ, ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ, ਸਬਜੈਕਟ, ਸੀਨੀਓਰਟੀ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਲਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈਫਨ ਲਗਾ ਦਵੋ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਡੇਟ ਆਫ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਕੂਲ ਔਫਿਸ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਡੇਟ ਆਫ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਕੂਲ ਔਫਿਸ, ਡੇਟ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ, ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਾਈਫਨ ਲਗਾ ਦਵੋ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਆਫ ਕੰਸਰਨਡ ਇੰਪਲੋਈ, ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੋਈ ਵੱਲੋਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਜਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਡਾਟਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਡਿਟੇਲ ਫਿਲ ਕਰੋ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰਡ ਬਾਏ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ, ਉਸਦੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਪਰਫੋਰਮੇ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈੱਡ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਉਸ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਫੋਰਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ MIS ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। MIS ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਡਿਟੇਲ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਔਫਿਸ ਦੀ ਈ ਪੰਜਾਬ ID ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਔਫਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟਾਫ ID ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਈ ਪੰਜਾਬ ID ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ACR ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ NOC ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਕੀਪ ਲਰਨਿੰਗ, ਲਰਨ ਮੋਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।